तो नहा लिया है और अभी खाना खा के फिर जाऊंगी पढ़ाई करने। और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत से ज़्यादा। रूम में भी नहीं बैठा जा रहा है, दिन में भी, रात में तो गर्मी थी, सोया तो नहीं जा रहा था। और इतनी गर्मी में मम्मी किचन में खड़ी है भाई विराट। और हमने वाला पंखा चला रखा है जिसमें एकदम बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आती है और इससे भी कुछ राहत नहीं मिलती। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, अब तो इस पंखे के नीचे भी नहीं रहा जा रहा है, हद से ज़्यादा गर्मी है, पसीने बहुत ज़्यादा है। 2 मिनट बैठे हुए तो पूरा पसीना ऐसा ऐसे गिरेगा भाई। तो अभी मैं ट्यूशन के तैयार हूँ, मुझे जाने का मन भी नहीं है। मतलब ये कपड़े इतने मोटे से, वैसे तो ये सूदिंग है बट फिर भी गर्मी तो लग ही रही है मुझे। ये ट्यूशन के लिए कहाँ जा रहे हैं? तो बैग टांग के ऊपर। हाँ ओके नहीं, मुझे ट्यूशन तक तो छोड़ दे पहले। आज तो तुझे छोड़ना पड़ेगा, आज मेरी दोस्त नहीं आई, पता नहीं। हाँ मे भी डबू, कितनी विराट कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तुझे तो नहीं लगती है? तो धूप में भी रह सकता है आराम से। देख मैंने अपना रुमाल गीला किया है, हो सकता है तो इससे पसीना ठंडा ठंडा लगेगा, है ना? हाँ है, जा तू पड़ा। ये पीछे का चैन तो खुला है। क्या हाल हुआ है मेरा इन पसीनों की वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी है बार बार। ट्यूशन में तो पढ़ाई नहीं जाता गर्मी की वजह से। अभी रास्ते से चल गए तो हवा एक बार चली, उसके बाद एकदम शांत, कुछ नहीं। इतनी ज़्यादा यार ऐसा लगा अब तो घमोरियाँ होंगी। मेरे कभी भी घमोरी नहीं होती, इस बार तो पक्का होने वाली है। और 37 डिग्री है और इतनी गर्मी। जून में जब 42 डिग्री था, मतलब मिड ऑफ जून में, तो इतनी गर्मी लगती भी नहीं थी। मैंने सोचा यार गर्मी हमने ऐसे निकाले बस पंखे में, बट अब रियलाइज़ हो रहा है गर्मी क्या होती है, बिना पंखे में भी पसीने आते हैं हमारे। यार बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा अब। और मम्मी ने खाना बना लिया, इतनी गर्मी में खाना बनाने इज़ सो डिफ़िकल्ट, बट मम्मी ने कर लिया। डिंग डोंग याद हुआ? कोई नहीं, तो थोड़ा सा ही होना, कैमरे में नहीं बोल सकते इतनी बड़ी बात थी भाई। बस बस वो पुट हा इन लिटिल टॉमी थिन, वो पुल्ड हा आउट लिटल टॉमिस आउट। कल याद करके आना अच्छे से, ठीक है? तो अब से मैं विराट को पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, तो अब से मैं इसकी टीचर हूँ। और ये अपनी टीचर से पता काम करवाता है, बैग मुझसे उठवा के लाया है, इसको मैं बोलूँगी तू पढ़ने तब आते, ये पढ़ने है ना। अब ये चुल मार रहा था, कैसा चुल मार रहा था विराट? हाँ गीला गीला। अच्छा नहा के आया लगता है, इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, इसकी भी घमोरियाँ निकल गई हैं भाई। ये तो बड़ी है पर इसको ये नहीं समझ आया हम किस चीज़ में काम करते हैं। हाँ मैं ये नहीं पता कि हेड किस चीज़ में हेल्प करता है, तो अभी मैंने गूगल किया तो विराट अब मुझे पता चला कि हेड हमारी हेल्प करता है किस में,
हेड के अंदर ना हेड हमारा बहुत मेन पार्ट होता है, जिसमें इसके अंदर ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन स्टोर करता है जो हमारा सारा काम करता है। ठीक है, तो हेड क्या करता है? ब्रेन स्टोर करता है। लेकिन हेड तेरे पास तो होगा नहीं, हेड तेरे पास ब्रेन क्यों नहीं है? बच्चा है, ये बच जाता हर बार, बच्चा है कह के। खाना खा लिया है और अभी हम लोग जाके आज छत पे सोएंगे, बहुत गर्मी हो रही है नीचे। तो विराट तो सो गया और छत पे बहुत मच्छर भी है, तो आज मच्छरदानी तो पक्का ही लगाएंगे। और जो ये पंखा था ना जो बाहर रखा है, ये भी ऊपर लेके जाएंगे ताकि अगर हवा ना चले तो उस केस में हम इसको चला के आराम से सो पाएँ। हे गाइस, तो छत पे आ गए हैं और इतना ज़्यादा अंधेरा है कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही, लेकिन हवा अच्छी चल रही है और साथ में हमने इधर ये वाला फ़ैन भी लगा रखा है ताकि हवा ना चले तो हम इसका यूज़ करें।